दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह टाइगर और आप लोगों का अपना बता सा चाचा। और मेरे सारथी हैं इस वक्त भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मिस्टर साकेत जी, जो कि हमारे छोटे भाई हैं और बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के आने वाले समय के बड़े राजनेता बनेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, खासतौर पर अपने आजमगढ़ की जनता को बताना चाहूँगा, 18 तारीख को पार्लियामेंट शुरू होगा। दिनेश जी का शपथ समारोह है। दिनेश जी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन अब हमारे सांसद हैं और अपने सांसद जी का जो आदेश होता है वो हमें पालन करना होता है। और चूंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे छोटे भाई हैं और हम सब लोगों ने साथ में आजमगढ़ की जनता को बहुत सारे वादे किए हैं, तो दिनेश जी का आदेश मिला है कि भैया आप पहुँचिए आजमगढ़ और आजमगढ़ के गाँव घर घर मिल करके सब लोगों के बारे में पता लगाइए कहाँ क्या करना है। और सबसे बताइए कि जो वादा हम करके आए हैं, हम देवारा के 12वें पुल का, रेलवे लाइन बड़ी लाइन कराने का, स्कूल का और रोड का, सड़क का, सब मंत्रियों से मिलकर के सब मैं पास करा रहा हूं और जो बोला हूं 1.5 साल में वो सारा काम करेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, बहुत सारे लोगों की बातें सुननी है, बहुत गाँव में जाना है, ग्राम सभाओं में जाना है, अपने सभी बूथ अध्यक्षों से मिलना है, हर जाति हद धर्म के लोगों से मिलना है, समस्याओं को सुलझाना है, सुनना है। और अब हम आजमगढ़ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मित्रों, दिनेश जी आपके बीच में बने रहेंगे और हम सब लोगों को आजमगढ़ में बार बार भेजेंगे ताकि वो कोई बात, कोई शिकायत, कोई परेशानी छुपी न रह जाए और वो मिस ना हो, ताकि कम्युनिकेशन बना रहे और आप सब लोग अपनी बात बेबाकी से कह पाएं। जिनकी बातें हैं, मैं दिनेश जी को आपके बीच में लाऊंगा, दिनेश जी के पास आपको ले जाऊंगा और दिनेश जी खुद आप लोगों से मिलने जाएंगे और सारी समस्याओं को हम लोग सुलझाएंगे। तो मित्रों, मैं आ रहा हूं 20 तारीख से लेके एक हफ्ते तक मैं वहीं रहूंगा आजमगढ़ में और आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ फिर से कि निरहुआ आजमगढ़ के लिए जीवन भर के लिए समर्पित है। वो अब आजमगढ़ की समस्या को सुलझाने के लिए वहां दिल्ली में एड़ी चोटी का ताकत लगा रहा है। आप लोग अपनी मोहब्बत दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी सारी बातों को तैयार रखिए। मैं पहुंच रहा हूं 20 तारीख को। थैंक यू, लव यू।